हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। इस फेस्टिव सीजन मैं लाई हूँ बिना पैसे खर्च किए ब्यूटीफुल डेकोरेशन कैसे करें, मेरा फेवरेट ब्लॉग। जी हाँ, होम मेकओवर विदाउट एनी कॉस्ट। सो वेलकम टू माय खुशबू क्राफ्टिंग आइडिया DIY। तो मेरे क्राफ्टिंग आइडिया DIY को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये देखिए, ये मेरे घर का लिविंग एरिया है और ये इसी टाइप से मैं रखती हूं। ज़्यादा मैं कुछ इसमें फेरबदल नहीं करूँगी, सिर्फ आपको एक आइडिया दूँगी कि किस तरह आप अपने घर को कम से कम बजट में एक खूबसूरत लुक दे सकते हैं। फ्रेंड्स, चीज़ों को हमेशा खरीद के ही हम अपने घर का मेकओवर नहीं कर सकते। अपने घर में ही बहुत सारे सामान रखे हुए होते हैं जो पड़े पड़े बेकार से हो जाते हैं, उनमें धूल मिट्टी लगी रहती है। तो उन्हें निकालिए और उन्हें क्लीन करिए अच्छे से और अपने क्रिएटिविटी को आगे आने का मौका दें और अपने घर का मेकओवर करें। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने अपने लिविंग रूम को आपको दिखाया और अब मैं इसी में थोड़ा बहुत फेर बदल करके इसका मेकओवर करूँगी। अब जैसे ये मेरा जो साइड में कॉर्नर था, ये बहुत ही सिंपल था, तो मैंने ये शुभ लाभ एक साल पहले बनाया था, उसी को मैं यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ। और ये दीवार मेरा बहुत दिनों से खाली था तो मैंने यहाँ पर पुराने फ़ोटो फ्रेम्स निकाले, उन्हें कलर किया और इस तरह से इसे यहाँ पे असेंबल किया। और बस मैंने सारे कुशन कवर्स में, एकाध कुशन में ही कवर लगाए हैं, जैसा आप देख सकते हो। और ये बस हो गया। और अब सेंटर टेबल जो है उसे मैं, और नाइट लैम्प जो आप देख सकते हो इस तरह है। तो मेरा थीम इस बार है गोल्डन का, तो मैंने जैसे ये बुद्धा कुछ ब्लैक और गोल्डन का है और ये ब्रास का मेरे पास लोटा था, बस कुछ निक नैक चीज़ें जो घर में ही रखी रहती हैं और इसका यूज़ बहुत कम होता है घरों में, तो मैंने इसी का यूज़ किया है। और कुछ इस तरह से मैंने ये नाइट लैम्प शेड जो कुछ इस तरह से दिखता है, इसे मैंने लुक दिया है। अब इस साइड भी मैं कुछ नया मेकओवर करना चाहती थी, तो ये मेरे पास एक दुपट्टा था सिंपल सा वाइट कलर में, मैं चाहती थी मैं इस पे येलो लगाऊं पर येलो मेरे पास नहीं था, तो मैं ये वाइट कलर का इस पे लगाया है मैंने। और इसे एक शीशे से मैंने इसे ढक दिया है। और यहाँ पर मैंने कुछ दुर्गा जी से रिलेटेड ही चीज़ों को यहाँ पे डेकोरेट किया है। ये सारे चीज़ हैंडमेडेड हैं, बस दुर्गा जी का जो फेस है ये मैंने नहीं बनाया। दूसरा ब्रास के भी जो भी सामान है ये मैंने नहीं बनाया, ये सब घर में ही रखे चीज़ थे और बस इसी से मैंने इस कॉर्नर का मेकओवर किया है। इसका यूज़ बहुत ही कम होता है फ्रेंड्स, इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। जैसे ये देखिए, सेंटर टेबल पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस एक लोटा, एक ब्रास का ग्लास, बुद्धा जी मैंने इसे ही रखा है और ये कुछ इस तरह से लुक आता है। इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। और चलिए इसका फाइनल लुक देखते हैं कि मेरा घर का फाइनल लुक कैसा है। तो ये मेरे घर का एंट्रेंस एरिया और कुछ इस तरह से मेरे घर का दरवाज़ा खुलता है और ये मेरा एंट्रेंस है। एंट्रेंस में भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सब कुछ वही है, बस कुछ पौधों से और ब्रास के बर्तनों से मैंने इसे सजाया है, बाकी सब कुछ यही है। मैंने एंट्रेंस का मेकओवर बनाया था, आप वहाँ लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और बस उसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस
थोड़ा बहुत फेर बदल किया, वो भी घर में ही रखे सामानों से। और ये सब कुछ वही है। सिर्फ मिरर पर ये लटकन इसे यहाँ पे हैंग कर दिया है और ये इससे और भी खूबसूरत लग रहा है। बस थोड़े से पौधे यहाँ पे मैंने रखे हैं, बाकी ब्रास के सारे बर्तन यहीं पे रहते हैं मेरे, और मैंने कुछ इसी तरह से डेकोरेट किया है। तो इसका मैं दूर से लुक दिखाती हूँ कि ये मेरा एंट्रेंस एरिया कैसा है और कैसा लग रहा है। देख ही सकते हो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों से बने हुए चीज़ों को यहाँ हैंग किया है। दूसरा, ब्रास के बर्तनों से मैंने कुछ चीज़ों को सजाने की कोशिश की है। आप लोग को ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये मेरा टीवी कॉर्नर एरिया है लिविंग रूम का, और कुछ इस तरह से है। इसमें भी मेरे बहुत सारे DIYs हैं, मैं वहाँ लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे हैंडमेड हैं। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ आइडिया मिलता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपके एक कमेंट से मैं बहुत मोटिवेट होती हूं और भी नए नए वीडियोस लाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।